ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादय देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ध्येयं सदा परिभवग्न भमिष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चितं शरण्यं वित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंशे विभूषित करां वरनीरदाभां पीतांबरां दरुणभिं बलभरधोष्ठां पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंदनेत्रं कृष्णात् परं किमपि त्वं अमहं न जामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज बहुत ही वरिष्ठ और नामाचार्य में सर्वश्रेष्ठ एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर जो जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ लेकिन वह शुरू से ही कृष्ण के भक्त थे। वो हरिदास ठाकुर जो निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते थे। आज उनका डिसअपीयरेंस डे आज ही के दिन श्री जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वहां पर श्रील हरिदास ठाकुर जी को समाधि दिया गया। वो दिन आज का ही है।
श्री हरिदास ठाकुर एक ऐसे भक्त हुए जो अपने नाम जप के माध्यम से, नाम जप के बल पर श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमल और उनके हृदय वक्ष स्थल तक पहुंच पाए। आज ऐसे महान भक्त, ऐसे महान वैष्णव, ऐसे महान साधु का डिसअपीयरेंस, तिरोभाव है, तो हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इन भक्तों से, इन वैष्णवों से हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ये जो श्री हरिदास ठाकुर हैं, इनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। भगवद गीता में है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम। भक्तों, इस संसार में भी जो भक्त, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनका भी जन्म और कर्म दिव्य होता है। मुस्लिम भक्त हुए जो कि मस्जिदों में यह नित्य भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे श्रील हरिदास ठाकुर जी का आज तिरुभाव दिवस है। तो हम सब बहुत हर्ष उल्लास के साथ आज के दिन उनको याद करते हैं। भक्तों, उनकी ऐसी प्रसंग सुनने में आता है कि हरिदास ठाकुर निरंतर भगवान के नाम का जप किया करते हैं, 3 लाख रोज प्रतिदिन का नियम है। इसलिए हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करते थे, तब जाकर वह कुछ प्रसाद या अन्य जो 2 घंटे, ये 3 लाख जप करने में 22 घंटे का समय लगता है। जब 22 घंटे भगवान के हरि नाम नाम संकीर्तन में लगाते हैं और 2 घंटे जो समय मिलता है उसमें वह अपना क्रियाकलाप, जो क्रिया कर्म है, उसको संपन्न करते हैं। 2 घंटे में प्रसाद बनाना, प्रसाद लेना, थोड़ी सी निंद्रा, फिर जैसे ही उठते स्नान करके पुनः प्रातः कालीन में, सुबह में उठ करके मंगला के समय वह भगवान के नाम जप में लग जाते। इन भक्तों के जप से हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है कि हम कली काल के जीव भगवान के नाम को लेने में कितना घबराते हैं, अनेक बहाना ढूंढ लेते हैं, सर दर्द कर रहा है, बुखार है, सर्दी है, जुकाम है, अनेक बहाना को ढूंढ लेते हैं। लेकिन भगवान के प्रति जिसको निष्ठा हो जाए, प्रेम हो जाए, वो किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम जप नहीं छोड़ता है। तो ये जो हरिदास ठाकुर है, ये कोई नहीं, यह इनकी एक बहुत बड़ी कथा है कि हरिदास ठाकुर ये स्वयं ब्रह्मा जी हैं। जब द्वापर में ब्रह्मा जी कृष्ण के साथ जितने भी गोप ग्वाल गाय इन्हें सबको चुरा करके ब्रह्मलोक में ले गए थे, 1 साल तक स्वयं कृष्ण ग्वाल बाल बन करके, गाय बन करके ब्रज में सबके घर में जाकर सबको आनंद प्रदान किए। जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता चला तो वह कृष्ण के पास आए और आकर के माफी मांगी, लेकिन भगवान ने उन्हें नजर उठा करके भी देखा भी नहीं, अपने नेत्र को उनके सामने प्रस्तुत ही नहीं किया, देखा तक भी नहीं। उसी का परिणाम है कि भगवान कृष्ण का यह लीला, जो कि इस कलयुग में श्रील हरिदास ठाकुर बनकर के आए, ये कोई और नहीं, ये साक्षात ब्रह्मा जी हैं, जो कि द्वापर में कृष्ण के साथ जो छल किए, उनके गोप ग्वाल गाय इन सबको चुरा करके, बछड़े को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए,
उसका परिणाम है कि वह कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। और यह मुस्लिम भक्त से हुए, लेकिन भगवान का नाम में इतना रस आने लगा कि वह रोज प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे। तब बिना जब तक उनका जप संपन्न नहीं होता, वह वहां से हिलते भी नहीं थे, उठते भी नहीं थे। नाम जप करते करते अनेक भक्त होने लगे, क्योंकि शुद्ध वैष्णव का लक्षण है कि उनको देखने मात्र से ही हमारे जीवन में आनंद और भक्ति की उमड़ जाग उठती है। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि गंगा र परस हैले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कैले यही तुम्हार गुण। गंगा में स्नान करने के बाद जीव पवित्र होता है या जाता है, और गंगा के पास जाना पड़ेगा पवित्र होने के लिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधारण मनुष्य एक साधु को मार्ग में जाते हुए देख ले, एक वैष्णव को जाते हुए देख ले, तो दर्शन मात्र से ही दर्शन पवित्र कैला, सिर्फ उस साधु का, उस वैष्णव का दर्शन हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, वह भक्त बन जाता है। इतनी पवित्रता होती है, इतनी शुद्धता होती है वैष्णव में और साधुओं में। यही तुम्हार गुण, यही तो साधुओं का गुण है। वह जिस गली में जाएंगे, जिस चौराहे पर जाएंगे, जिस नगर में जाएंगे, उनके दर्शन मात्र से उस जीव का कल्याण हो जाता है। ये है साधुओं की कृपा। तो भगवान का नाम जप करते हुए एक वेश्या परीक्षा लेने के लिए, ये वेश्या नहीं, ये भगवान की साक्षात माया थी, कि क्या वास्तव में श्रील हरिदास ठाकुर भगवान का नाम ले रहे हैं या नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लेने के लिए वो वेश्या हरिदास ठाकुर के पास आई और आकर के कहने लगी कि हमारी एक इच्छा है, वो मुझे प्राप्त करना है, या वो आप मुझे मेरी इच्छा को पूरा करोगे। तब श्रील हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अवश्य पूरा करूंगा, लेकिन जब तक हमारा 3 लाख नाम जप संपन्न नहीं हो जाता, उससे पूर्व मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। वैश्या बोली कि ठीक है, मैं इंतजार कर लेती हूं। और वैश्या वहीं बैठ गई तुलसी के नीचे, और श्रील हरिदास ठाकुर भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो वैष्णव आचार्य है ना, ये जो वैष्णव है, ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन अगर मिला है, यह शरीर मिला है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेने के लिए। जब तक हमारी जिह्वा सही है, जब तक हमारा मुख सही है, हमें निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। हम ठीक से 20 मिनट भी एक स्थान पर बैठ नहीं पाते हैं। प्रभुपाद जी ने कितना सुंदर रूल्स बनाया है कि हम 2 घंटे भगवान के नाम के जप में दें, लेकिन हम 20 मिनट भी नहीं बैठ पाते हैं। और ये देखिए, श्रील हरिदास ठाकुर जो कि निरंतर एक स्थान पर बैठ करके 3 लाख नाम का जप करते थे, 3 लाख नाम जप पूरा करने में भक्तों 22 घंटे लगते हैं। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इन आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि हमें कैसे भगवान के प्रति, भगवान के नाम में कैसे निष्ठा होनी चाहिए। कि आसक्ति हमें अगर होना हो तो भगवान के नाम में होना चाहिए, तब जाकर हमारा जीवन धन्य होगा। इतना सुंदर भगवान शरीर बनाए हैं किस लिए? समय गंवाने के लिए नहीं, हमें भगवान का नाम लेने के लिए निरंतर। वैश्या आई है, एक कामना आई है, माया आई है उस साधु को, साधु की परीक्षा लेने के लिए कि क्या वास्तव में यह भक्त है या ढोंगी है। तब उस वैश्या से रहा नहीं गया और वो वहां से उठकर चली गई।
फिर दूसरे दिन आई और वही प्रश्न कहा कि हे ठाकुर, हे बाबा, मुझे आपसे आपके प्रति एक इच्छा है, वो पूरा करोगे? मुझे आपसे शादी करनी है, आपसे विवाह करना है। तब श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हम सारी इच्छा को पूरा करेंगे, तुम्हारी जो भी कामना है पूरा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा 3 लाख नाम जब पूरा हो जाए उसके बाद, तब तक तुम हमारा इंतजार करो। फिर वह वैश्या उसी तुलसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के नाम का स्मरण श्रवण कर रही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर वह वैश्या वहां से उठी और उठ करके चली गई कि इनका नाम जब तो समाप्त ही नहीं होता है, जब देखो तब निरंतर भगवान का नाम महामंत्र का स्मरण करते रहते हैं। फिर अब तीसरे दिन मन में विचार करने लगी कि इस बार तो मैं कन्फर्म होकर के जाऊंगी, पक्का करके जाऊंगी, हाँ या ना। तीसरे दिन आई और वही सेम इच्छा प्रकट की। श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि आपकी इच्छा को अवश्य पूरा किया जाएगा, लेकिन जब तक हमारा 3 लाख नाम जब पूरा नहीं हो जाता, मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगा। वह वेश्या उस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का नाम का स्मरण और सुनती रही। श्री हरिदास ठाकुर जोर जोर से स्मरण करते हुए भगवान का नाम का कीर्तन करते थे। पहला जो 1 लाख करते थे वह आराम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा ऊंचे स्वर में जितना नाम करते उतना ही उनका लेवल साउंड बढ़ता जाता है। और हमारी स्थिति क्या है कि हम 2 माला जप करके भगवान के प्रति कितना एहसान दिखाते हैं कि हे प्रभु, लो आज मैंने 4 माला जप कर लिया। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम जप करके भी अफसोस करते थे कि आज मेरा पूरा दिन व्यर्थ गया, आज मैंने कुछ भी नहीं किया, और हम कितने पापी हैं कि 2 माला जप करने में ही परेशान हो जाते हैं, मेंटलिटी हो जाती है कि आज मैंने जप पूरा किया, 2 माला किया, 6 माला किया, 16 माला तो करने की दूर की बात है। हरिदास ठाकुर इन आचार्यों के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि किस प्रकार से हमें कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए। संसार में आसक्त हो गए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, लेकिन यदि हम कृष्ण और कृष्ण के नाम के प्रति आसक्त होते हैं तो हमें दोबारा इस संसार में नहीं भटकना होगा। वह वैश्या श्री हरिदास ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में गिर पड़ी और गिर करके प्रणाम की, प्रणाम करके वह गुरु बनाई और प्रार्थना करने लगी, हे बाबा, हे स्वामी जी, मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, मुझे क्षमा कर देना। तब श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारे पापों से कमाया हुआ जितना भी धन है उन सभी धन को गरीबों में बांट दो, और आज से ये लो झोली माला और भगवान का नाम का जप करना प्रारंभ कर दो। उसी समय वह वैश्या श्री हरिदास ठाकुर के शिष्य बन गई और हरिदास ठाकुर बोले कि तुम इसी कुटिया में, इसी स्थान पर बैठ करके नाम जप करना प्रारंभ करो, और वह जप करने लगी और जप करके भगवत धाम को प्राप्त हुई। जिसको इतने शुद्ध वैष्णव आचार्य गुरु मिल जाए, भला उसको कौन रोक सकता है? इतनी बड़ी आचार्य हरिदास ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए, गुरु मान ले, भला उसको भगवत धाम जाने से कौन रोक सकता है? वह भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए भगवत धाम को चली गई। जैसे ही अब मस्जिदों में मुस्लिमों की संख्या कम होने लगी, क्योंकि हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुन करके, नाम जप सुन करके अनेक भक्त बनने लगे, तब मुस्लिम में एक राजा हुए। उनको जैसे ही पता चला कि ये हरिदास
कृष्ण का नाम स्मरण करता है, हमारा धर्म को खत्म कर रहा है, वह उसी समय अपने गुप्तचर को भेज करके हरिदास ठाकुर को बुलाया और बुला करके कहता है कि हरिदास आज से तुम भगवान का नाम लेना छोड़ दो। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं कि संसार में सब कुछ कर सकता हूं लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता, भगवान के नाम में जो सुख मिलता है वो हमको और कहीं नहीं मिलता। अनेक बार प्रार्थना किया, इसलिए हरिदास तुम कृष्ण का नाम जपना छोड़ दो, तुम भी धर्मी हो रहे हो हमारे धर्म में, हाँ हो करके मुस्लिम धर्म में जन्म लेकर के तुम कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण का कीर्तन करते हो, महामंत्र का जप करते हो। तब कहते हैं कि अगर तुम्हें इच्छा है कि हम कुरान पढ़े तो मंजूर है, लेकिन यह भगवान का नाम जप तो मेरे से छूटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब वह राजा कहता है इसके लिए दंडित हो सकते हो, दंड भी दिया जा सकता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे मंजूर है, भगवान का नाम न लेना इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा दंड और क्या है। तो हे राजा, आप जो दंड दोगे मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता, हरिनाम छोड़ दूंगा इससे बड़ा दंड, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। तब चार पहरेदार को बुलाया, बड़े बड़े काले काले एकदम विशाल, जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई दया नहीं, मुस्लिम का वह गुप्तचर को आदेश दिया कि तुम इस हरिदास को ले जाओ, हरिदास ठाकुर को 20 चौराहे पर ले जाकर इसको डंडे मारो, शायद तब जाकर यह भगवान का नाम लेना छोड़ दे। वह सेना हरिदास ठाकुर को ले गई, घसीटते हुए ले जाकर के उस 20 चौराहे पर कुबड़ से चार काले काले वह मुस्लिम राजदूत हरिदास ठाकुर को पीटना प्रारंभ किया और एक कूड़े पर एक भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से एक चौराहे से दूसरे नगर में जाकर दूसरे चौराहे पर वहां भी पीटते, लेकिन जितने बार उनके शरीर पर डंडा चलता या कुबड़े चलते, उतने बार भगवान का नाम का स्मरण होता, उतना ही बार वह कृष्ण कृष्ण महामंत्र को जोर जोर से बोलते। इस प्रकार से 3, 4, 5 करते करते 21 चौराहे तक श्री हरिदास ठाकुर को कुबड़े से डंडे से मारा गया और हर कुबड़े पर भगवान का नाम का स्मरण और जोर जोर से जप करना प्रारंभ किए। 22वें चौराहे पर उन गुप्तचरों ने हाथ जोड़ लिया, उन राजदूतों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लग गया, तुम किस शरीर के बने हो, तुम मरते क्यों नहीं, तुम भगवान का नाम लेना छोड़े नहीं, मृत्यु भी नहीं आई। तब जाकर वह थक गए और थक करके वह पुनः उस राजा के पास ले गए और कहने लगे कि मैं दंड देते देते थक चुका हूं, लेकिन यह हरिदास भगवान का नाम लेते हुए नहीं थका। अब तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर उस राजा से कहते हैं, मुस्लिम धर्म के राजा से कहते हैं, कृष्ण कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में पोर्ट किया है कि खंड खंड होए यदि ये तन प्राण, ताबुना बदने आमी ना छोड़ी हरि नाम। तुम चाहे तो मेरे शरीर को खंड खंड कर दो, अलग भाग में कर दो, लेकिन जब तक मेरी जिह्वा स्वस्थ है, जब तक मेरा होठ है, तब तक मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
ये है कृष्ण के प्रति निष्ठा, कृष्ण के प्रति समर्पण। कह दिया कि तुम खंड खंड कर दो, चाहे चौराहे पर मार दो, चाहे पहाड़ से गिरवा दो या कुचलवा दो, कुछ भी कर दो, लेकिन यह शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक हमारी जिह्वा स्वस्थ रहेगी, जब तक हमारा बोलने की स्मृति रहेगी, बोलने का स्मरण रहेगा, शक्ति रहेगी, तब तक मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तब उस राजा ने अपने राजदूत से कहकर हरिदास ठाकुर को एक नदी से गिराया। जैसे ही हरिदास ठाकुर को नदी से गिराया गया, वह नदी के उस पार गए और पूर्णतः पूर्ण रूप से वह हरिदास ठाकुर स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद वह पुनः भगवान का नाम लेना प्रारंभ किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, यदि हम अपने जीवन को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दें तो हर प्रकार से भगवान हमारी रक्षा करते हैं। यदि हरिदास ठाकुर भगवान का नाम नहीं लेते तो 22 चौराहे क्या वह प्रथम चौराहे पर मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन भगवान के नाम में इतना शक्ति है, इतना प्रगाढ़ है कि उस डंडे की चोट, उस कोबड़े की चोट को भी एक रुए की बराबर लगती थी। वो राजदूत मारते मारते थक गए, लेकिन श्रील हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। पुनः जब वह नदी के उस पार गए, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और 3 लाख नाम जप करना प्रारंभ किया। रोज प्रतिदिन का नियम था श्रील हरिदास ठाकुर भगवान के नाम का जप रोज 3 माला करते थे, 3 लाख नाम का जप करते थे। इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी शरीर दुर्बल होती गई, अस्वस्थ होते गए, वृद्ध की ओर बढ़ती गई। उन्होंने प्रसाद लेना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन भगवान का नाम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। 3 लाख नाम नियमतः करते थे। इतनी शक्ति नहीं रह गई उनके शरीर में कि वह प्रसाद ले। तब एक भक्त जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आपका एक बहुत बड़ा भक्त है श्री हरिदास, जो 4 दिन से भूखा है, 5 दिन से भूखा है, वो अभी तक कोई प्रसाद नहीं, कोई अन्न नहीं ग्रहण किया है। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि मेरा भक्त 5 दिन से भूखा है और मेरे नाम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, भूखे रहकर भी वह 3 लाख नाम का जप करते हुए दिन को व्यतीत करते, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के लिए एक व्यंजन, प्रसाद का व्यंजन लेकर के गए और हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि उठो, यह प्रसाद ग्रहण कर लो। तब यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि अब हमारे शरीर में वो शक्ति नहीं रही कि मैं उठ करके प्रसाद लूं, मैं अभी जप कर रहा हूं, और जब तक हमारा जप पूरा नहीं होगा मैं अन्न का एक कण भी नहीं लूंगा। इस भाव को देखकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए और उस आंसू से विहल होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को गले से लगा लिया और रोने लगे, कहने लगे, श्री हरिदास, अब जप करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो सिद्ध हो चुके हो, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हो चुके हो, अब प्रसाद तो ग्रहण करो। तब कहते हैं कि किस कैसा प्रसाद, कैसा अन्न, जिसके सामने आप जैसे प्रेमा अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु सामने हो, चैतन्य हो, उनको किस प्रकार की तृष्णा, किस प्रकार का भूख। भक्तों, इस प्रकार से श्री हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के से एक ही चीज मांगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जीवन में आज तक मैं कुछ नहीं मांगा,
मैं एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ कि प्रभु, मुझे पता चला है कि आप इस कली काल में जो आप प्रेमा रूप अवतार लेकर के श्रीधाम मायापुर में आए हैं, आप इस धराधाम से कुछ समय में जाने वाले हैं, और जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो ये भक्त आपके विरह में आपके बिना नहीं रह पाएगा। तो हरिदास जीवन में आज तक कुछ नहीं मांगा है, हे प्रभु बस एक ही भिक्षा मांगता है कि यह जो शरीर है वह आपके सामने ही इस शरीर का त्याग कर लो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रोते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, उसको पूर्ण किया जाएगा। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के सामने आए और आकर के उनको गोद में ले लिया, और हरिदास ठाकुर भगवान का नाम का स्मरण करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के गोद में अपने प्राण को त्याग दिया। अपने शरीर को छोड़ करके श्रील हरिदास ठाकुर, आज का ही वो दिन है जो श्रीधाम भगवत धाम को पधारे, वो भी भगवान स्वयं उनके सामने हैं, और श्रील हरिदास ठाकुर उनके नाम रूपी नौका का सहारा लेकर के उनके धाम भगवत धाम में प्रवेश कर गए। वो दिन आज का है। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे परम, ऐसे आचार्य, ऐसे भक्त को अपनी गोद में उठाए, और गोद में उठा करके उस पुरी में, उस जगन्नाथपुरी में नगर नगर चौराहे पर जा करके उदंड कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए श्री हरिदास ठाकुर को पूरे नगर का भ्रमण करा करके समुद्र के किनारे गए, और समुद्र के किनारे जाकर के समुद्र में हरिदास ठाकुर को स्नान कराए। स्नान करके फिर बहुत ही सुंदर उनको समाधि दिया गया। हरिदास ठाकुर समाधि दे करके फिर अपने भक्त के लिए भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं ताकि हम उनका श्राद्ध संस्कार ठीक से कर सके। भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए, श्रील हरिदास ठाकुर के लिए चौराहे चौराहे पर भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा मांग करके श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने भी पार्षद हैं वो सब श्रील हरिदास ठाकुर का जो श्राद्ध है वह धूमधाम से मनाते हुए सबको, नगर में जितने भी लोग थे सबको प्रसाद खिलाए। ऐसे मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के श्रील हरिदास ठाकुर भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, उनके प्रेम उनके श्री चरण कमल को प्राप्त कर गए। वो दिन आज का ही है, तो आज उनको याद करते हुए बस हम एक ही चीज भिक्षा मांगते हैं कि हमसे 3 लाख नहीं, बस प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया नियम 16 माला तो ठीक से करें। लोग 16 माला भी ठीक से जप नहीं कर पाते हैं भक्तों। तो यह समुद्र तीर्थ स्थान कैसे हो गई, क्योंकि उसमें स्वयं श्रील हरिदास ठाकुर का को स्नान कराया गया, और जब शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव एक समुद्र हो या नदी हो उसमें स्नान करते हैं वह तीर्थ के समान हो जाता है। तो भक्तों इस प्रकार से श्रील हरिदास ठाकुर के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हम उनसे कृष्ण रूपी प्रेम की भिक्षा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी वो कुछ गुण, 1% भी वो भाव आए कि हम भगवान का नाम लेना प्रारंभ करें। इन आचार्यों के माध्यम से ही तो हम भगवान का नाम लेंगे, इनकी लीला कथा को सुनकर के ही हम अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम का स्मरण कर सकते हैं। ऐसे श्रील हरिदास ठाकुर के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिदास ठाकुर की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री धाम मायापुर धाम की जय।
जगन्नाथपुरी धाम की जय। आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा।